आईपीएल का 25वां मैच 11 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। 3 शुरुआती मुकाबलों में हार के बाद मुंबई ने दिल्ली को पिछले मैच में हराया था, तो वहीं आरसीबी को पिछले 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल में आरसीबी 5 मैच में 1 जीत और 2 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर है। मुंबई और बेंगलुरु अब तक 32 बार टकराई हैं। मुंबई ने 18 और बेंगलुरु ने 14 मैच जीते हैं। विराट कोहली की फिटनेस को लेकर कायल हुए टीम इंडिया के सिलेक्टर अजीत अगरकर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि विराट ने फिटनेस के मामले में बेंचमार्क सेट किया है। अगरकर ने आगे बताया कि अगर किसी को सीखना है कि फिटनेस कैसे मेंटेन रखनी है तो आप विराट से सीख सकते हैं, वो 15 साल से फिट हैं। विराट इस वक्त आईपीएल में आरसीबी के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सीजन 18 के मेगा ऑक्शन में सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी की लॉटरी लगने वाली है। मेगा ऑक्शन में टीम मालिक अभी तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकते थे, लेकिन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मालिकों के लिए रिटेंशन पॉलिसी चेंज हो रही है। टीम मालिक 4 की जगह 8 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों की बैठक 16 अप्रैल को अहमदाबाद में होनी है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने पंजाब किंग्स के ओपनर जॉनी बेयरस्टो को लेकर बड़ा बयान दिया है। आकाश ने पंजाब किंग्स से सवाल पूछा कि बेयरस्टो को कब तक मौका देते रहेंगे। आकाश को उम्मीद है कि पंजाब किंग्स आगामी मुकाबले में बेयरस्टो को बाहर कर सकती है। बेयरस्टो ने आईपीएल सीजन 17 की 5 पारियों में 16.20 के खराब औसत से 81 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इंजरी और क्रिकेट में वापसी पर बड़ा बयान दिया है। सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वापसी के बाद काफी अच्छा लग रहा है। सूर्य ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मेरे लिए पिछले 3 महीने काफी मुश्किल भरे थे, लेकिन इनसे मुझे एक एथलीट के साथ साथ एक अच्छे इंसान को विकसित करने में काफी मदद की। आईसीसी ने बल्लेबाजों की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत को फायदा हुआ है, जबकि पंत पिछले 1 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। 692 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ऋषभ पंत 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। केन विलियमसन पहले स्थान पर मौजूद हैं, उनके 859 रेटिंग पॉइंट्स हैं। नई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन का जलवा देखने को मिल रहा है। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर आर अश्विन कायम है। रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड दूसरे नंबर पर है। श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या को रैंकिंग में नुकसान हुआ है, वो 8वें नंबर से सीधे 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर वहाब रियाज ने खुलासा करते हुए बड़ी बात कही है। सफेद गेंद के लिए वहाब रियाज नए उपकप्तान पर पीसीबी से बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेस में मोहम्मद रिजवान और शादाब खान का नाम चर्चा में है। पीसीबी की माने तो नए उपकप्तान के नाम का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। जैक अल्बास्टर ने 1955 से लेकर 1972 तक न्यूजीलैंड के लिए 21 टेस्ट खेलते हुए 49 विकेट लिए हैं। अल्बास्टर ने 1955-56 में भारत, पाकिस्तान, 1958 में इंग्लैंड, 1961-62 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था। इसके अलावा उन्होंने 1971-72 में वेस्ट इंडीज का भी दौरा किया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष जैक क्लार्क का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए क्लार्क ने 2008 से 2011 तक अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं दी। क्लार्क कैरी पैकर क्रिकेट फाउंडेशन के निदेशक, लॉर्ड्स टेवेनर्स क्लब के सदस्य और दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई ब्रेडमैन लाइब्रेरी कमेटी के मेंबर भी थे।